निंदियाला गुरु के सेंट सोल्जर लाइट कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों ने शहर के कई चौकों में खड़े होकर नशे के विरुद्ध नारेबाजी की और नारे लगाकर नशे के कुप्रभावों के बारे में बताया। साथ ही हाथों में बैनर भी पकड़े हुए थे जिन पर नशे की बुराइयों के बारे में लिखा हुआ था। इस मौके चेयरमैन मंगल सिंह किशनपुरी ने बताया कि स्कूल के छात्रों ने बढ़ चुके नशे की समस्या को देखते हुए खुद ही ये कार्यक्रम बनाया कि लोगों को कैसे इस नशे से छुटकारा दिलाया जा सकता है और नशा हमारे समाज को खोखला कर रहा है और आज लोग जागरूक हो रहे हैं, अब लगता है पंजाब फिर से बन जाएगा। आज का प्रोग्राम सेंट सोल्जर लीड कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों द्वारा नशा के विरुद्ध एक प्रचार मुहिम के तौर पर चलाया जा रहा है जिसे बच्चे रोल प्ले कर रहे हैं। शहर के वख वख चौंकों में खड़ के ये बच्चे एक मैसेज दे रहे हैं कि नशे साढ़े वास्ते कि हानिकारक है और नशे से छुटकारा किस तरह पाना है और लोगों को अपील कर रहे हैं कि नशे छोड़ो और नशे जोड़े साढ़े समाज में भोल वगू खाई जाते हैं। इस वास्ते अज काम मंडी चौंक, ऊधम सिंह चौंक, टांगियाला अड्डा, शेख फतेह चौंक, शेखपुरा महला चौंक और सरां चौंक के उत्ते बच्चे वख वख ग्रुपां च खलो के और आने वाले रईयां नू ये मैसेज दे रहे हैं कि नशे साढ़े वास्ते बहुत हानिकारक है, आओ रल के हमला मारीए और पंजाब नशा मुक्त बनाइए। अज मैं कहना चाहता हाँ कि अज सेंट सोल्जर लीड कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे जंडियाले विच वख वख ग्रुप बना के घूम रहे हैं ताकि नशा पंजाब विचों घट कर सकया जाए। तो नशा इन्ना वध गया है कि अजकल दे लोकी इन्ना ज़्यादा नशा कर दे कि ज़्यादा ही नशा करन करके वह दूजियां नू भी नशे विच ला रहे हैं ते आप तो मरी जाते हैं नाले दूजियां नू भी नशे विच ला के उन्होंने जिंदगी भी खराब कर देंदे हैं। तो साडी यह अपील की जाती है कि यह पंजाब विच नशे बंद किए जाए। जागती लहर के लिए झंडियाला गुरु से कैमरामैन सुखचैन सिंह के साथ अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट।